हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम हमारे सॉलिड स्टेट को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, यानी जो भी आपके एटम्स हैं उनकी जो क्लोज पैकिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो भी हमारी पैकिंग हो रही थी उसमें हमने एटम्स को यूज किया था, यानी स्फेयर्स को यूज किया था। तो सेम यहां पर भी हम पैकिंग में किसको यूज करेंगे, स्फेयर्स को। तो मैं यहां पर वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग बना रहा हूं। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा और वो पैकिंग कैसे होती है ये भी समझना पड़ेगा। वन डायमेंशन का मतलब किसी भी एक एक्सिस पे, यानी एक लाइन पर, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। जनरली हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं यहां पर इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं और ये एक एक्सिस पे है, यानी एक डायमेंशन में। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो भी आपने स्फीयर अरेंज किए वो वन डायमेंशन में अरेंज किए, यानी ये हमारी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्या आपको यहां पर कहीं पर वॉइड्स दिख रहे हैं, वॉइड्स यानी फ्री स्पेस बिटवीन टू एटम्स। तो जरा देखिए, जहां पर ये एटम लिंक है उनके बीच में कहीं पे कोई फ्री स्पेस नहीं है और यहां पर इनको वॉइड्स की तरह काउंट नहीं करेंगे, ये कोई फिक्स गैप नहीं है इसलिए इनको वॉइड्स की तरह काउंट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो जब भी हम किसी एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, वो जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स से टच है या कवर्ड हो रहा है, मेनली टच होना जरूरी है, वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो यहां हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वन और टू। तो यहां हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है टू, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है टू। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा टू, ये बात हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन स्ट्रक्चर्स, टू डायमेंशन स्ट्रक्चर्स, तो जरा याद रखिए टू डायमेंशन स्ट्रक्चर्स में पैकिंग दो तरह की होगी। फर्स्ट होगी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और सेकेंड वन होती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में क्या होगा, सेम पहले की तरह वन डायमेंशन में हम लोग एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे ये हमारे एटम्स यानी हमारे स्फीयर्स अरेंज हो रहे हैं वन डायमेंशन में, तो सेम इन्हीं के ऊपर अब मैं फिर से एटम्स को अरेंज कर रहा हूं इसी मैनर में, यानी सेम इसी तरह मैंने क्या किया, अब दोबारा से एटम्स को अरेंज कर दिया एक के ऊपर एक रख के, यानी एक स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर रख दिया है। सेम यहां पर भी जनरली ऐसे ही होगा और जैसे जैसे आप देखते रहेंगे कि हमारे जो स्फीयर्स हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, यानी वन बाय वन एक के ऊपर रखे हुए, ये अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला एक्सिस था हमारा एक्स एक्सिस और ये वाला एक्सिस कौन सा है हमारा, वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एक्सिस कवर हुए, इसका मतलब कितने डायमेंशन हुए, टू डायमेंशन। अब अगर मैं यहां पर किसी भी स्फीयर को कंसिडर कर रहा हूं, याद रखिए ये इतना नहीं है, ये बहुत सारे स्फीयर्स अरेंज हैं, हमने खाली समझने के लिए तीन रोज बनाई है स्फीयर की। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस स्फीयर को x मान रहा हूं या x तो सेम हो जाएगा, p मान रहा हूं, तो इस ये जो p स्फीयर है इससे टोटल कितने स्फीयर जुड़े हुए हैं, काउंट करते हैं, वन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात हो रही है यहां पर, वन टू थ्री फोर, यानी ओवरऑल कितने स्क्वायर जुड़े हुए, फोर, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फोर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं वॉइड्स की। तो जरा ध्यान से देखिए किस टाइप के वॉइड्स हैं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यानी यहां पर वॉइड्स किस तरह के होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब इसका नाम हमने स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्यों रखा, क्योंकि जो इसके स्फीयर्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो स्क्वायर फॉर्म में है,
देखिए यहाँ एक स्क्वायर फॉर्म्ड हो रहा है, इसलिए इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें वॉइड्स पाए जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और इसी में हमारा नेक्स्ट आता है, अगर मैं इसको मिटा दूं और हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जगह अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो अब मैं फिर से वापस से एटम्स को अरेंज कर रहा हूं, लेकिन अब की बार मैं यहां पर एटम्स को कुछ डिफरेंट मैनर में अरेंज करूंगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, स्फीयर के इस ऊपर स्फीयर रखा था, लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट लाइन का स्फीयर होगा उसको दो स्फीयर्स के बीच का जो गैप है यहां पर फिल करूंगा। तो अरेंजमेंट चेंज हो गया, सेम ये स्फीयर यहां पे फिल होगा, सेम एक स्फीयर यहां पर, और ऐसे स्फीयर फिल होते जा रहे हैं। अब यहां पर फिर से स्फीयर फिल कर रहा हूं, तो अगर ये स्फीयर यहां पे होगा तो यहां वाला स्फीयर ऐसे रहेगा, और यहां पर भी देखिए दो स्फीयर के बीच में फिल हो रहा है, फिल अप हो रहा है ना। और जब दो स्फीयर के बीच में फिल अप हो रहा है तो अब ध्यान से देखिए, अगर अभी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, अभी टू डायमेंशन अरेंजमेंट है, और लेकिन यहां पर अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों आ गया वो देखते हैं। अगर मैंने ये एटम लिया पी, तो इस एटम के साथ जरा ध्यान से देखिए कितने एटम डायरेक्टली लिंक्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ओवरऑल कितने एटम्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 6 एटम्स, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही ये होता है कि कितने एटम्स डायरेक्टली एक सिंगल एटम से लिंक्ड है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। जरा वॉइड्स देखो, कौन सी वॉइड्स दिख रही है आपको, देखो क्या ट्रायंगल शेप की वॉइड्स दिख रही है, कहीं पे भी देख लो, यहां पे देखो क्या ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहां पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो वॉइड्स आपकी क्या हुई, ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों आ गया था, जरा देखो यहां पर एक हेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, हेक्सेन यानी 6 मेंबर रिंग, ठीक है, तो आपका हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इसको हमने बोला हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। बहुत इजी है, यहां तक आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन बहुत सिंपल है, वैसे आपके पेपर में ये सब चीजें नहीं आती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, और आपको समझना जरूरी है, इसलिए चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।